ओके अच्छा प्रीवियस लेक्चर में हमने, अच्छा बताओ आप बताओ प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? मायर्स रिलेशन क्या देखे थे? मायर्स रिलेशन, राइट? हाँ मायर्स रिलेशन देखे थे हमने, मेयर्स रिलेशन हमने देखे थे। और मेयर्स रिलेशन का मेन मोटो क्या है? सिटी और सीवी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करके देना है ना। और वो रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन गिवन बाय मेयर? मेयर्स का फाइनल रिजल्ट क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, CP by CV equals to V. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, राइट। अब हम लोग और उससे आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी के एप्लीकेशन, राइट। अब देखो CP क्या है, CP, व्हाट इज CP? CP क्या है बताओ? कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, राइट। वेरी गुड वेरी गुड, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सीवी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम, राइट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वेरी गुड। तो ये है, सी है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ क्या हम मोनोएटमिक गैस का सीपी और सीवी निकाल सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक यही है, और ये एप्लीकेशन है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना, वो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, है ना। जो मतलब मेयर रिलेशन हो गया, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये सारा ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी हम लोग। ये सारे सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मेन कॉन्सेप्ट का भी आने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? हम लोग फाइंड करने वाले हैं सीपी एंड सीवी ऑफ मोनोएटमिक गैस, डायएटमिक गैस, पॉलीएटमिक, है ना। मेन चीज यही है कि मोनोएटमिक का सीपी और सीवी क्या होता है। और फिर सीपी और सीवी अगर मैं डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज सीपी डिवाइड बाय सीवी? एक इंडेक्स आता है, उसका नाम क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स। हाँ हाँ, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स फाइंड करेंगे मोनोएटमिक, डायएटमिक, ट्राइएटमिक। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा सारे बिल्डअप कॉन्सेप्ट है। अब मेन कॉन्सेप्ट, जो जो चीज हमको सिखानी है ना, उसको सीखने के लिए जितने बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे थे वो सब हम लोग सीख चुके हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आओ देखते हैं। अब जैसा अभी एक रिजल्ट है, जैसा देखो एक फॉर्मूला होता है ना, वो हर जगह यूज होता है ना। ये रिजल्ट है, जैसा अभी कोई आपको पूछता है कि मोनोएटमिक का सीपी क्या होता है, वो बताओ, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। और व्हाट इज मोनोएटमिक का गामा, एडियाबेटिक इंडेक्स, कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। ये सारा हम लोग देखेंगे। अब इसको आपको हेडिंग डालना है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखो मेरे साथ, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड सीपी एंड सीवी ऑफ गैसेस, ठीक है। सीपी और सीवी फाइंड करेंगे हम लोग, गामा भी फाइंड करेंगे ना। तो गामा भी लिख देता हूँ ऑफ गैस, राइट। सबसे पहला गैस कौन सा है? देखो यहाँ पे सबसे पहला गैस है हमारा, फिर जूम कर लेता हूँ, ओके। हाँ, सबसे पहला हमारा गैस है मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है समझो, या फिर मोनो एटॉमिक एटम है, मोनो मतलब एक ही एटम, ठीक है। यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी क्या होती है मोनोएटमिक गैस की, बताओ? टोटल एनर्जी क्या होती है मोनोएटमिक गैस की, बताओ?
टोटल एनर्जी क्या होती है? समथिंग समथिंग बाय समथिंग केबीटी था, याद करो, बताओ जल्दी आंसर बताओ. 3/2 KBT. 3/2 KBT. 3/2 KBT है ना. और ये चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी भी है ना. काइनेटिक एनर्जी क्या है? पर मॉलिक्यूल, राइट, है ना. याद करो हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे निकाले थे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 कैपिटल एन केबीटी. अगर मैं डिवाइड बाय एन कर दूं तो ये यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना. दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, है ना. तो इसका मतलब दैट विल बी टोटल एनर्जी, दैट विल बी टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे आने वाली टोटल एनर्जी, राइट. ऐसे अच्छा ये हमको पता चल गया. अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ कंप्लीट गैस, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ कंप्लीट गैस, तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उधर लेके चल जाऊंगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी टोटल एनर्जी. तो फिर कंप्लीट एनर्जी है, फिर टोटल एनर्जी आई कैन राइट इट एज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 एन इनटू केबीटी, बराबर है. ठीक है, ये टोटल एनर्जी होगी किसके लिए, सिमिलरली वो चीज काइनेटिक एनर्जी भी है. ये काइनेटिक एनर्जी भी है, आपको पता होना चाहिए. ओके, ये तो हो गया, ये तो हो गया. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट. हम पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी भी लिख सकते ना. इसका मतलब एन केबीटी की जगह हम लोग कैपिटल एन केबीटी की जगह हम लोग स्मॉल एन आर टी लिख पाते लिख पाएंगे, यस और नो. यस और नो, कैपिटल एन केबीटी की जगह हम, हाँ, कैपिटल एन केबीटी की जगह हम लोग स्मॉल एन आर टी, है ना. इसका इसके हमने आइडियल गैस इक्वेशन का, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 एन आर टी. ठीक है, मैं सिर्फ इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया मैंने, है ना. वैल्यू मतलब अलग फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन, देखो अब क्यों लिख रहा हूँ. टोटल एनर्जी तो हो गई, ओके. अब मुझको पता है टोटल, बड़ा लिखना पड़ेगा, टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. ठीक है, याद करो कल हमने मेयर रिलेशन जब किया था तो देखो इस तरह का कुछ मैंने ड्रॉ किया था और मैंने हीट दिया था, राइट. हीट, अब हीट देने की वजह से जो अंदर मॉलिक्यूल्स थे उसने एनर्जी एक्वायर किया और एनर्जी एक्वायर करने के बाद क्या वो वाइब्रेट करने लग गया अपनी जगह पे, या फिर मोशन परफॉर्म करने लग गया, यहाँ जा रहा है, यहाँ जाएगा, हर जगह जाएगा. अब मोशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना, इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी है, मतलब इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, है ना. इंटरनल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी. हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, राइट. अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी क्या था, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी देखो हमने निकाला था, डी इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, याद आ रहा है, एन सीवी डी टी, है ना. ये कैसे आया था फिर से याद दिलाता हूं. देखो मैंने हीट प्रोवाइड किया था क्यू अमाउंट का, इसके वजह से डीई अमाउंट की हीट डी क्यू दिया था, तो इसके अंदर डीई अमाउंट का इंटरनल हीट प्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, डी क्यू क्या होता है, एम सी डी टी, यहाँ पे मोल नंबर ऑफ मोल्स है इसलिए यहाँ पे एन लिख देता हूँ. एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ले रहे थे ना तो सी डी लिख दिया था मैंने, हाँ. और क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी हीट देता हूँ वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई कैन से दैट डी क्यू इज इक्वल टू डीई, इसलिए D इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, याद आ गया. चलो D इज इक्वल टू एन सी वी डी टी. अच्छा, नाउ
नाउ देखो टोटल एनर्जी को मैं ई बोलता हूँ, ई इज इक्वल टू सी बाय टू एन आर टी, राइट। अब देखो ये ई है ना, ई मुझको अगर इसको डी ई बनाना है, मुझको अगर इससे डी ई बनाना है तो मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। आपको डिफ्रेंशिएशन आता है क्या बच्चों? सृजन एम ऑडिबल? यस सर। आपको डिफ्रेंशिएशन आता है? नहीं नहीं ना, नहीं। तो बेसिक्स बता देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अगर मुझको इसको डीई बनाना है ना तो मुझको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अरे पहले का मन गड़ा मौस आप हो जाते ले ले करूँ देव का कागज माइक बंद करो, किसका माइक चल रहा है? लोगों की सारे जिम्मेदारी बहुत ही गर्म है मंदा, ये लेकर मुझे जाओ मंदा पहले कभी पे चला करो सर। कल्याणी का माइक ऑन है, किसको नष्ट करने हो? एक लाख पने एक लाख गर्मी नहीं की पति आम भरो बद्रा के गर्म में। कल्याणी माइक ऑफ करो, कुछ दस पाँच ओके ना देखो थ्री बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू एनआरटी, राइट। अगर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन का आप थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को हम लोग डी बाय समथिंग, मतलब देखो डिफरेंशिएट हम कब करते हैं, जब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बनाने पर रहेगा। जब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को अगर छोटा बनाना रहेगा ना, हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्टली उसको कट 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 टुकड़े 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 करने करते, राइट। डिफरेंशिएशन भी वही है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बना देता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया। और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोई चीज अगर हमको चेंज करना है, चेंज करना है अगर किसी चीज में बदलाव लाना है, चेंज अगर अब चेंज देखो समझो कंसिडर करो मेरा वेट चेंज हुआ है, मैंने वेट गेन किया है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने वेट गेन किया है? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग बताना पड़ेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू माय प्रीवियस वेट, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग अगर हम बात करते हैं तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। जैसे अभी स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग स्पीड को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी की बात करते हैं, चलो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे हम लोग? डी बाय डी टी, डी डी स्टैंड फॉर चेंज, ठीक है। डी टी मतलब रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी, है ना। तो मतलब यहां पर अगर मैं डी लगाता हूँ, डी छोटा डी, इसका मतलब क्या हो गया? चेंज, चेंज करवा रहा हूँ, राइट, चेंज करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ देखो ई है, ई ई अगर मुझको डी ई बनाना है, इसको चेंज बनाना है, तो यहाँ पे मुझको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। और डिफ्रेंशिएशन अकेला नहीं आता है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग आता, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना। डिफ्रेंशिएशन फिर से बताता हूँ क्या होता है, इट इज चेंज, बदलाव, है ना। और बदलाव कभी अकेला नहीं होता, बदलाव अगर हमको ऑब्जर्व करना है तो किसी के साथ होगा, है ना। जैसे मेरा वेट अगर चेंज हो रहा है, मैंने वेट गेन किया, कंसिडर करता हूँ अगर मेरा पुराना वेट 70 kg अभी 80 kg, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेट मैंने मैंने वेट गेन किया है कितना, 10 kg का, रेट ऑफ चेंज चेंज कितना हुआ, 10, राइट, इस तरह से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बहुत अलग अलग चीज, देखो चेंज डी मतलब चेंज, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग के लिए नीचे, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं आपको टाइम बोलता हूँ, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस चीज का? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को करता हूँ, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, हमको वेलोसिटी मिलती है, राइट। अच्छा अगर अगर समझो ये एक्स स्क्वायर है, एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ ना विथ सेम वैल्यू डी बाय डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझको आंसर क्या मिलता है? 2 इंटू एक्स, है ना। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एक्स टू द पावर अगर एन होगा, अगर मैं फिर से एक्स से डिफरेंशिएट करता हूँ, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, ये ऐसे जनरल फॉर्मूले बनाए गए हैं हमको अलग अलग डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए, राइट। सिमिलरली अगर अगर एक्स को
अगर x को मैंने फिर से x से dx से ही या फिर x को मैंने x से ही डिफरेंशिएट किया तो मुझको आंसर क्या मिलेगा, 1, है ना, राइट right? ये तो कॉमन सेंस ही, डिवाइड है एक दूसरे के साथ सेम वैल्यू तो 1 बन जाएगा, ओके तो इस तरह से हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो आओ यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करेंगे। अब यहाँ देखो e जो है ना e, उसके अंदर देखो ये n हो सकता है कॉन्स्टेंट हो जाए, r हो सकता है कॉन्स्टेंट हो जाए, t जो है ना वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, खुला लिखना समझो, मैं क्या करता हूँ इस e को, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूँ। नाउ इस e को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल t, वेयर t इज टेम्परेचर। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया dE डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा, राइट है ना। और एक ही बात ध्यान में लो, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसी चीज को, अगर सामने कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट समझो यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट पता है आपको क्या होता है कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट, जैसे कोई नंबर, जो चीज चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट, जो चीज कभी चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है ना, तो जो चेंज नहीं होती वो वैसी रहती है। हाँ वेरी गुड, जो जैसे की वैसी रहती है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, चेंजेस फाइंड करना। अब चेंजेस जो चीज चेंज हुई थी उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना हम लोग, राइट उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जो चेंज नहीं हो रही है तो उसके अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो डिफरेंशिएशन अगर मैं कॉन्स्टेंट का करता हूँ तो जीरो आना चाहिए क्योंकि चेंज ही नहीं है कुछ भी, राइट है ना। हाँ और पता है अगर किसी डिफरेंस, किसी वेरिएबल के अंदर कोई कॉन्स्टेंट लगा हुआ है ना तो डिफरेंशिएशन से वो बाहर आता है। देखो किस तरह से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कॉन्स्टेंट, अगर मैं मानता हूँ ए इंटू एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अब डिफरेंशिएट होगा डी एक्स बाय डी एक्स, राइट। और डी एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1, मेरा आंसर विल बी वो ए ओनली, ए ओनली है ना, इस तरह से। अब देखो इस केस में 3/2 कॉन्स्टेंट एक नंबर है, ओके इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ डी बाई डी टी, राइट एन आर टी, ठीक है। अब देखो एन 3/2 एक कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, चलो नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है। चलो अब क्योंकि हम लोग आगे जाके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, कि वो यूनिट मोल है ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैं मानता हूँ